रहे थे मरहूम हाजी हुसैन साहब के द्वारा जो अधूरे रह गए, हाजी हुसैन साहब को 5 साल का मैंडेट दिया था जनता ने, ईश्वर ने पहले ही उन्हें अपने पास बुला लिया, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि जनता पूरे 5 साल का कार्यकाल उनके उत्तराधिकारी को देने का मन बना लिया है जनता ने। और हम जनता को ये भरोसा और विश्वास आपके माध्यम से दिलाना चाहेंगे कि जिस काम को मरहूम हाजी हुसैन साहब ने आगे बढ़ाया था, जो बीड़ा उठाया था कि मधुपुर का चहुमुखी विकास हो, उसको ये अंजाम तक पहुंचाएंगे। अन्यथा साढ़े तीन साल के बाद अगर जनता के भरोसे पर खड़ा नहीं उतर पाएंगे तो जनता इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, जनता के हाथों में सब कुछ है, तो 3.5 साल के बाद अगर जनता के भरोसे को ये कायम नहीं रख पाएंगे तो जनता फिर अपना फैसला सुनाएगी। आज प्रचार प्रसार थम जाएगी, क्या दावा क्या करेंगे? मैंने सारा कुछ संक्षेप में बता दिया। अब हमारे बादल जी भी माननीय मंत्री जी हैं, हमारे उम्मीदवार है सा, और हमारे पूर्व हमारे महागठबंधन के साथी राजद के पूर्व विधायक जी भी हैं बैठे हुए, हमारी विधायिका दीपिका पांडे जी भी हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मधुपुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली, किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के भ्रम में नहीं आने वाली। मधुपुर की जनता विकास के नाम पर मतदान करेगी, माननीय हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व के नाम पर मतदान करेगी, और हमारे भाई हाजी हफीजुर रहमान साहब को भारी मतों से विजयी बनाकर और अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजने का काम करेगा। देखिए, यह चुनाव अन्य चुनावों से बिल्कुल भिन्न है। इस तरह का चुनाव गठबंधन ने एक बार तमाड़ में लड़ा था और उसके बाद भी हेमंत सोरेन साहब ने, कांग्रेस ने, राजद ने यह फैसला लिया, यह जोखिम उठाया कि हफीजुल भाई को मंत्री बनाकर यहाँ चुनाव लड़वाया। हम जानते थे कि ध्रुवीकरण होगा, भाजपा भी अपनी चाल खेलेगी, एनडीए भी अपना चाल खेलेगा, इन सब चीज़ों की हमें सुगवाहट थी। लेकिन जो पिछले एक साल में जो चुनौतियों भरा साल था, उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो प्राइवेट कंपनियां यहां काम कर रही, उसमें यहां के युवाओं को 75% रोजगार देने का काम किया, जो इस गठबंधन की सरकार ने 9,07,000 किसानों के कर्ज माफी का शुरुआत किया, जो 20 साल झारखंड बने हुए हो गए, पिछड़ों का आरक्षण 14% से 27% करने का ऐलान किया, और इस तरह के 15,00,000 नए राशन कार्ड बनवाए गए, मजदूरों को यहाँ लाने की बात हो या माइग्रेंट लेबर्स को सुविधाएं देने की बात हो, इस पर जनता ने बेरमो की उपचुनाव और दुमका के उपचुनाव में इस सरकार को मुहर लगा दिया था। अब मधुपुर की बारी है। हाजी साहब को जो सम्मान यहाँ की तमाम जनता ने दिया, और उस हाजी साहब के नहीं रहने के बाद जनता ने इस चीज़ को महसूस किया। एक्चुअली यहाँ पर जनता के बीच में आप जाएंगे तो वो कहते थे कि हाजी साहब गार्जियन थे, उन्हें जब भी कोई दुख तकलीफ होता था तो हम उनको सुनाने आते थे। आज उनके परिवार को, आज उनके वारिस को, जिनको यहाँ से प्रत्याशी बना गया है, आज उनको जनता के आशीर्वाद की ज़रूरत है। और हमने चारों ओर देखा तो बड़ी एक सुखद अनुभूति हुई, क्योंकि जनता स्वतः स्फूर्त ये कहते हुए नजर आई। एक गांव है कुबड़ी, वहां पर एनडीए के बड़े नेता गए थे, कोई गांव वाला नहीं निकला, ये कह के आपने स्टेटमेंट दिया एक सीट जिताओ हम आपकी सरकार गिरा देंगे, हेमंत जी पर हमने विश्वास किया है, हम उनके खिलाफ नहीं सुन सकते। एक विशेष जाति के गांव में एक बड़ी नेता संगठन की गई हुई थी, वहां लोगों ने उनसे पूछा कि आज आप हमारे पास आए हैं, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे,
कि आप जब लालू यादव की नहीं हुई तो आप हमारा क्या हुए, इस बात का आप कैसे विश्वास दिलाए। एक विशेष गांव में इसी तरह जब एक बड़े नेता एनडीए के दौरा कर रहे थे तो गो बैक के नारे लगे, ये कोई प्रायोजित नहीं थे, स्वतः स्फूर्त थे। मधुपुर की जनता ने जो हेमंत सोरेन ने विश्वास किया है यहाँ के जनता पर, तमाम नेगेटिव बातों को साइड करते हुए, इससे यह साबित कर दिया कि जिस षड्यंत्र के सहारे वो चुनाव में आना चाहते थे उनकी सारी रणनीति को यहाँ की जनता ने नकार दिया है। हाजी साहब की जब अंतिम यात्रा थी तो उसमें जो भीड़ उमड़ी थी वो श्रद्धा की भीड़ थी, और वो श्रद्धा आज क्षेत्र में भ्रमण के दौरान देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि मधुपुर की जनता का आशीर्वाद हफीजुल हसन अंसारी जी को मिलेगा, हाजी साहब का सम्मान यहाँ की जनता रखेगी और माननीय हेमंत सोरेन जी के विश्वास को अटूट रखने का मन बना चुकी है। कुछ ही घंटे बाकी हैं चुनाव में, मैं उम्मीद करता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ की जनता मतदान करेगी, हम सभी एक दूसरे का सहयोग करें, किसी भी तरह का भेदभाव या फिर द्वेष वाली बात ना हो, मतदान सबका है, सब शांतिपूर्ण तरीके से करें। और जो भी उम्मीद लोगों को हाजी साहब ने सपने दिखाए थे वो सपना पूरा करने का भरपूर प्रयास गठबंधन की सरकार करेगी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी करेंगे, और पुल का काम, ब्रिज का काम हमारे प्रत्याशी मंत्री हफीजुल हसन भाई करेंगे। मिथिलेश जी, आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, और इस पूरे चुनाव में आज आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? देखिए, हम जनता के बीच पाते हैं हमेशा, जनता के बीच हम आज चुनाव के समय ही, जनता के बीच नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता से लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री तक 24 घंटे 365 दिन जनता के बीच रहते हैं, और हमें जनता पर पूरा भरोसा है और जनता का हम पे भरोसा है, हमारी सरकार के कुशल नेतृत्व पर भरोसा है, और हम निश्चित रूप से एक बड़ी विजय के रूप में बढ़ रहे हैं और जनता उस पर मुहर लगाएगी 17 तारीख। दीपक प्रकाश जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने कहा है कि इरफान जी के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसका नुकसान उनको भुगतना होगा, चुनाव के समय वो मंदिर जाकर के गलत किए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मतलब ये जो इनका चाल चरित्र है इसको ये उजागर करते हैं, ये कभी सफल नहीं होंगे अपने अपने जो इनकी साजिश है इस पर कभी सफल नहीं होंगे। मधुपुर की जनता एक साथ एक सुर में चलती है और कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक थाली में खाना खाते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ बैठते हैं, इनका इनके पास कोई मुद्दा नहीं। हम तो पहले ही से कहते आ रहे शुरू से ही कि इनका एक ही अस्त्र है कि फूट डालो, राज करो, हिंदू मुसलमान कराओ, जाति धर्म का विभेद का विभेद कराओ, लेकिन इनकी दाल अब नहीं गलने वाली। सिर्फ मधुपुर के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूँ, यह देश की जनता इनके चाल चरित्र को जान चुकी है और इन्हें करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील हैं और हम लोग देखने का भी मौका मिला जब ट्रेन और हवाई जहाज से आप लोगों ने पब्लिक को यहाँ मंगाया, लेकिन ये जो एक साल का जो दौर रहा कोरोना का, जो नया स्ट्रेन आया है दोबारा, और लोग मरने वालों की जो संख्या है वो बढ़ते जा रही है, और आप ही के सहयोगी हैं इरफान अंसारी जिनको लेकर के हमेशा चर्चा होते रहता है, उन्होंने कहा कि इस एक साल में जो है एक भी बेड एक्स्ट्रा नहीं लगाया गया और इसकी यही वजह है कि लोग मर रहे हैं और इससे सरकार को फ्री हो रही है। तो चूंकि आप लोग दो दो तीन तीन मंत्री यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री भी कैंप कर रहे हैं, देखिए सभी जनप्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सभी को अपना अपनी बात रखने का जो उन्हें हक है, अधिकार है,
लेकिन जो वास्तविकता है, आज हम कहाँ थे जिस समय कोविड का संक्रमण हमें झेलने को मिला था, उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था और आज क्या है। एक भी सदर अस्पतालों में, कहीं भी जिला अस्पताल में एक भी वेंटिलेटर नहीं थे, आज 15-15, 20-20 वेंटिलेटर है। आईसीयू बनाए गए हैं, रांची के जितने हॉस्पिटल हैं सभी में पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। आज कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से, दोबारा इसका दूसरा स्ट्रेन जो आया है, इतनी तेजी से फैला है कि उसको जो हमारे पास साधन संसाधन है वो नाकाफी है, ये हम उसको हम स्वीकार करते हैं। लेकिन सरकार की नजर पूरी तरह से है, तो सभी परिस्थितियों पर नजर है। माननीय मुख्यमंत्री पैनी नजर बनाए हुए हैं, निरंतर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, हमारे प्रखंड के अधिकारियों से लेकर, प्रखंड के चिकित्सा पदाधिकारियों से लेकर राज्य के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और हमारे राज्य के स्वास्थ्य सचिव से लेकर मुख्य सचिव तक सभी लोग निरंतर 24 घंटे लगे हुए हैं इस संक्रमण पर काबू पाने के लिए। लोगों को उनका जो भी संक्रमित हैं उनको उनका उचित इलाज हो। आज इसको थोड़ा मैं ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पहले तो लोगों को, आम जनता को जो दिशा निर्देश इस संक्रमण से बचाव के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनका पूरी तरह से अनुपालन जनता करे, और अगर कोरोना के लक्षण आते भी हैं, अगर पॉजिटिव पाए भी जाते हैं और सिम्टम्स नहीं हैं, असिम्टोमेटिक हैं, तो उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो अपने घरों में रहकर इस कोरोना के संक्रमण से मुक्त हों। जिनका जिनकी स्थिति गंभीर हो रही है, जो उसको सांस लेने में तकलीफ है, जिनका बुखार नहीं उतर रहा है, वैसे लोग ही अस्पतालों की ओर रुख करें, क्योंकि अस्पताल सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र होता है, अस्पताल परिसर जो होता है। पहले इसको पैनिक नहीं करके इसको इजी गोइंग लेना चाहिए और इससे मुकाबला करना चाहिए, और सरकार पूरी तरह से जनता के साथ है, और आगे भी अगर हमें और भी कोई कदम उठाने पड़ेंगे तो हम उठाएंगे राज्य की जनता की जान माल की। मंत्री जी, इसी से जुड़ा एक सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने राज्यों को छोड़ रखा है कि आप चाहे तो लॉकडाउन लगा सकते हैं, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए, तो जो स्थिति उभर कर आई है राज्य की खासतौर पर राजधानी की, क्या इस दिशा में भी सरकार कदम बढ़ा सकती है, संकेत मिल रहे हैं लॉकडाउन को लेकर? मैंने एक वाक्य में बात बता दी कि माननीय मुख्यमंत्री पैनी नजर बनाए हुए हैं, अधिकारियों से निरंतर संपर्क में है, और जो भी निर्णय लेने होंगे झारखंड की जनता के जान माल की रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, वो निर्णय और जब भी वैसे कड़े निर्णय लिए गए हैं, राज्य की जनता ने उसे सर आंखों पर लिया है और उनका अनुपालन किया है, राज्य सरकार का सहयोग किया है। जो भी निर्णय राजहित में लेने होंगे वो माननीय मुख्यमंत्री सभी हम कैबिनेट के सहयोगियों के साथ, विपक्ष के साथियों के साथ मिलकर हम लोग उचित निर्णय लेंगे झारखंड की जनता के हित में। थैंक यू। सुरेश पासवान जी बताएंगे कि तेजस्वी जी आ रहे हैं, क्या वोट का गणित होगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनावी दौर में जो आए उससे यही साफ जाहिर होता है कि यहाँ का मधुपुर का जनता निर्णय ले चुके हैं कि इस बार हफीजुल अंसारी साहब को, हफीजुल हफसन साहब को भारी से भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। तेजस्वी प्रसाद आने से उसमें जो है और चार चांद लग गया, उनको आने से और काफी लोगों में जो है एक खुशी का माहौल आया, खास करके ज्यादा मतदाता में और ज्यादा जो है खुशी का माहौल आया, और सारे लोग जो इधर उधर भटके हुए थे वो भी जो है गोलबंद हो गए। तेजस्वी प्रसाद यादव को आने से काफी लोगों में रुझान हुआ है और सारे लोग मिल करके इस बार एक ही मकसद, एक ही जो है लोगों का सेंटिमेंट है कि हफीजुल साहब को इस बार हम लोग भारी से भारी बहुमत से हम लोग जिताने का काम करेंगे। इसमें किसी पार्टी का जो है कोई जादू नहीं चलेगा, कोई किसी तरह का अप्रिय बात नहीं चलेगा, किसी तरह का भेदभाव करने का काम करेंगे वो भी नहीं चलेगा, पैसा भी इसमें जो है काम नहीं करेगा, इसलिए कि जनता जो है मन बना चुके हैं कि इस बार जो है हमारे हाजी हुसैन साहब का पुत्र हफीजुल साहब को जो है जिताने के लिए
जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम लोग करके इस बार जो है 17 तारीख को एक एक कीमती वोट जो है दे करके जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद। आप बीच में बैठे, बीच में बैठे, ठीक बीच में बोल रहे, बीच में बैठने दीजिए। बोल टेबल।